दिवाली आते ही हमारे आपके जैसे बहुत से लोगों के अंदर पटाखे फोड़ने का मन करने लगता है और बच्चों का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये पटाखे कहां से बनकर आते हैं और पटाखों की राजधानी किसे कहा जाता है और किसने इस शहर को पटाखों की राजधानी बनाई? आज हम अपनी इस रिपोर्ट में इसकी जानकारी देंगे। दुनिया भर में चीन के बाद पटाखों के निर्माण में भारत दूसरे नंबर पर आता है और इसका श्रेय जाता है तमिलनाडु के शिवकाशी को, जो देश के 90% पटाखों का निर्माण करता है। शिवकाशी में साल भर पटाखे बनते हैं। बच्चे और महिलाएं शिवकाशी की जान हैं और इस पटाखा कारोबार में पूरा परिवार जुटा रहता है। मुर्गा, मोर, घंटी, गिलहरी, अनिल और न जाने कितने ब्रांड के आपने पटाखे जलाए होंगे, लेकिन आपने कभी सोचा है कि ये बम, फुलझड़ी, चरखी जिसको जलाकर आप खुश होते हैं, वो शिवकाशी की ही देन है। कभी कभी आदतें या कभी आपका इतिहास या कुछ ऐसा जो आपको या आपके शहर को अमर कर देता है, ठीक वैसे ही शिवकाशी को दुनिया और भारत के नक्शे पर पटाखों के लिए जाना जाता है, जहां की जिंदगी, हवा, लोगों की बातचीत में बारूद बम की बात होती है और ये पहचान है शिवकाशी की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक छोटे से शहर को पटाखों की राजधानी बनाने का श्रेय किसे जाता है? दरअसल शिवकाशी के दो भाइयों शनमुगा नादर और अय्या नादर को ये श्रेय जाता है, जिन्होंने आजादी से पहले 1922 में पटाखों और माचिस पर रिसर्च किया और शिवकाशी में पटाखों की सबसे बड़ी फैक्ट्री का निर्माण किया और देश ही नहीं दुनिया में भारत और शिवकाशी का नाम रोशन किया। बता दें कि जापान पटाखा निर्माण में काफी आगे है, जिसे देखते हुए भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने शिवकाशी को मिनी जापान कहा था।